नमस्कार, मैं हूं विजय वर्मा। चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। तो इन दिनों राजस्थान में सत्ता पाने के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल बड़े भारी भरकम चुनावी समीकरण में उलझे हुए हैं। उधर आरएलपी के हनुमान बेनीवाल इन दोनों ही दलों को इस बार भारी भरकम झटका देने की फिराक में है। एक ओर कांग्रेस और भाजपा में उम्मीदवारों को लेकर बड़ी कशमकश का दौर चल रहा है, तो दूसरी ओर इस सियासी उबाल के बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी और आजाद समाज पार्टी के बीच एक अनोखा गठबंधन हुआ। गुरुवार को इस गठबंधन पर मुहर लगाई आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद। इस दौरान एक प्रेस वार्ता भी बुलाई गई और मीडिया से बातचीत करते हुए दोनों ही नेताओं ने कहा कि राजस्थान में मजबूत विकल्प की काफी लंबे अरसे से जरूरत थी, जिस पर आज गठबंधन की आखिरी मुहर लगाई गई है। इस मौके पर इस नए अलायंस ने राजस्थान के युवा, किसान, महिला और दलित वर्ग के विकास के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन का भरोसा जताया। और जैसा कि शुरुआत से हनुमान बेनीवाल दावा कर रहे थे कि वे राजस्थान की पूरी 200 विधानसभा सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे, इस गठबंधन ने लगे हाथ इसका भी ऐलान कर ही दिया। दोनों ही नेताओं ने कांग्रेस और बीजेपी को कड़ी चेतावनी देते हुए अब कहा है कि पिछली बार तो 80 लाख लोगों ने कांग्रेस भाजपा को वोट नहीं दिए थे, लेकिन इस बार उससे भी दुगना उलटफेर होगा। राजस्थान में तीसरे मोर्चे के तौर पर सेंधमारी करने जा रहे इस नए अलायंस ने अपनी मंशा साफ तौर पर जाहिर कर दी है और आरएलपी के साथ ही एएसपी का यह नया गठबंधन जल्द ही अपना घोषणा पत्र भी जारी करने वाला है। आरएलपी के स्थापना दिवस के मौके पर 29 अक्टूबर को जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में एक बड़ी रैली का आयोजन भी किया जा रहा है। इस रैली में यह नया गठजोड़ अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेगा। सबसे खास बात यह है कि हनुमान बेनीवाल ने 5 साल पहले ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनाई थी और इस पार्टी ने 2018 के अपने पहले ही चुनाव में 58 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे, जिसमें से 3 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। यही नहीं, इन चुनावों में आधा दर्जन सीटों पर आरएलपी के प्रत्याशियों ने कांग्रेस और भाजपा को कड़ी टक्कर दी। यहां से ही आरएलपी का नया उदय हुआ, आरएलपी ने नई पहचान बनाई। अब चर्चाएं यह है कि नए गठबंधन के बाद काफी हद तक बेनीवाल कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक को साध पाएंगे। खैर, इस बार के राजस्थान विधानसभा चुनाव में पहले से ही सभी की निगाहें हनुमान बेनीवाल पर टिकी हुई थी। अक्सर बेनीवाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों की नाक में दम किए हुए रहते हैं। अब इस नए गठबंधन ने राजस्थान की सियासत में और भी ज्यादा हलचल मचा दी है। आरएलपी के प्रमुख नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल अपने तेज तर्रार और विवादित बयानों के लिए पहले से ही काफी सुर्खियों में रहते हैं। बेनीवाल इस चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को व्यापक स्तर पर राजस्थान में खड़ा करने के लिए प्रयासरत हैं। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में दलित सियासत का सबसे बड़ा, सबसे चर्चित चेहरा चंद्रशेखर आजाद हैं। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी अपने आक्रामक बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। फिलहाल इस नए गठबंधन के जरिए बेनीवाल राजस्थान को एक तीसरा विकल्प देने का दावा कर रहे हैं। गठबंधन से पहले ही बेनीवाल की पार्टी आरएलपी का चुनावी कैंपेन सत्ता परिवर्तन संकल्प यात्रा सुर्खियों में रहा है। आरएलपी राजस्थान के करीब 1 दर्जन जिलों में अपना यह कैंपेन पूरा कर चुकी है। कहीं ना कहीं यह इस गठबंधन के बाद भाजपा और कांग्रेस को रणनीतिक रूप से अब और भी ज्यादा मंथन करना पड़ जाएगा, क्योंकि दोनों ही दलों के बीच यह नया गठबंधन बैरिकेडिंग का काम करता नजर आ रहा है। अब यह देखना होगा कि इस बार चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर आरएलपी के हनुमान सूबे की कितनी सीटों पर जीत का डंगा बजा पाएंगे। चुनावी चर्चा में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।